ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए मैं ट्रेन के अंदर कैसा कुछ है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सिंपल वे में मैंने इस वीडियो को बनाया है और आपको काफ़ी पसंद आएगा इस वीडियो को देखने में। तो अभी हम जो है इकोनॉमी क्लास वाले कंपार्टमेंट में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ये अच्छा इंटीरियर इसका बनाया गया है। इकोनॉमी क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट 3/2 का है, यानी कि एक तरफ 3 सीट है और दूसरी तरफ 2 सीट है। और इस पूरी ट्रेन में लगभग 16 बोगियाँ हैं और लगभग 1128 के आसपास इसमें बैठने की क्षमता है। ये ऊपर देख सकते हैं आप, लाइट्स लगी हुई है और काफ़ी सुविधाएं इसमें दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर वाईफाई उपयोग कर सकते हैं, ट्रेन में GPS सिस्टम लगा है, इसके अलावा कैमरा लगा हुआ है। साथ ही इसकी जो चेयर्स है वो भी रोटेटिंग है। इसके अलावा ये जो दरवाजे हैं वो भी ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं। ये बीच में कुछ पेंट्री का जैसा मुझे दिख रहा है, तो हाँ ये पेंट्री वाला ही है, कार है ये। और यहाँ पर जब भी आप टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको एक ऑप्शन रहेगा कि आप पेंट्री लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैं अभी एग्जीक्यूटिव वाले क्लास में आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास है ये, और इसमें दोनों तरफ दो दो सीटें हैं। काफ़ी अच्छी ये ट्रेन है और काफ़ी इस ट्रेन को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। चलिए मैं इसके आगे और आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए कैमरा लगा है यहाँ पर दोनों तरफ पर, और जैसे ही मैं दरवाजे के सामने आता हूँ दरवाज़ा देखिए अपने आप खुल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया था और ये ट्रेन जो है नागपुर से पहले बार बिलासपुर की तरफ चली थी। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर इस ट्रेन को बनाया गया है। बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है, आप आसानी से पैर फैला के बैठ सकते हैं। साथ ही यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बोर्ड जो है वो उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए खिड़की के पास भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको धूप चाहिए या नहीं चाहिए। काफ़ी अच्छी इस ट्रेन को बनाया गया है और ज़रूर आपको एक बार इसमें सफ़र करना चाहिए। नागपुर से बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 40 स्टॉपेज दिए गए हैं, जो गोंदिया है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, इसके बाद रायपुर और उसके बाद सीधे ये बिलासपुर में रुकती है। इसके अलावा ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में कुल 6 दिन चलती है। इसकी जो टाइमिंग है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेन है वो बिलासपुर से सुबह 6:45 बजे निकलती है और दोपहर 12:15 बजे ये नागपुर पहुँचती है। इसी तरीके से दोपहर 2 बजे नागपुर से निकलती है और शाम को लगभग 7:35 के आसपास ये बिलासपुर पहुँचती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की जो अधिकतम स्पीड है वो 160 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में ये लगभग 100 से 120 के बीच में दौड़ती है। वंदे भारत ट्रेन में
काफ़ी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे सभी वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसमें आपको स्वचालित दरवाजे मिलेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली आपको इसमें मिलेगी, साथ ही मनोरंजन उद्देश्यों के लिए ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट, वाईफाई और आरामदायक बैठने की सुविधा इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारे भारत में 2019 में अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लॉन्च की है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा विकसित इस ट्रेन में एक बुद्धिमान ब्रेकिंग सिस्टम है जो बेहतर त्वरण और मंदी को सक्षम करता है। इस ट्रेन को देखकर आप इसकी स्पीड का नज़ारा खुद ब खुद लगा सकते हैं। ये इसका वॉशरूम एरिया है, काफ़ी सुंदर है ये भी और काफ़ी साफ़ सुथरा है, और ट्रेनों में खासकर ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना हाइजीन के आप सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे। अब दोस्तों मैं इस ट्रेन के फेयर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यदि आप नागपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें लगभग आपको 1100 रुपये के आसपास या उससे हो सकता है थोड़ा कम भी खर्चा करना पड़ सकता है, और यदि आप एग्जीक्यूटिव क्लास को यदि चूज़ करते हैं तो इसमें लगभग इसका डबल यानी कि 2000-2100 के आसपास आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। इसमें जो खाने की व्यवस्था है वो वैकल्पिक है, यदि आप खाना लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या यदि नहीं लेना चाहते तो इसके जो फेयर है वो और कम हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं खिड़की से आप इस ट्रेन की रनिंग स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी ये फास्ट चल रही है। और ये देखिए ये खिड़की सीट के पीछे से एक बोर्ड जो है क्लिप के माध्यम से आप उसको अपने भोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये ट्रेन बनाई गई है, और यदि कभी मौका मिलता है आपको इस ट्रेन में जाने का तो आपको एक बार इसमें ज़रूर सफ़र करना चाहिए, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।